व्हाट्स अप गाइस, गिज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होते हैं और हम आने वाले वीडियोस में जब हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें भी यूज करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। गिज आज हम लोग कस्टम वेरिएबल्स सीएसएस के एंड सॉरी कस्टम प्रॉपर्टीज एंड सीएसएस के वेरिएबल्स के बारे में जानना चाहते हैं। गिज वेरिएबल्स का मतलब ये नहीं है कि CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। गाइस CSS स्टाइल शीट के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसमें हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। गाइस आप लोगों को पता होगा कि हम लोग वेरिएबल्स बनाते इसलिए हैं ताकि हम लोग उनका रीयूज कर सके। हम एक जगह यूज करें, मतलब एक जगह उन्हें डिफाइन कर ले और फिर बार बार उन्हें यूज करते रहे ताकि हमें हर जगह ना यूज करनी पड़े। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी जो है सारा काम कर देता हूँ। HTML का जो भी हमें काम करना है वो सारे काम हम कर देते हैं और यहाँ पर डॉट प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पर डॉट बॉक्स लगाते हैं और बॉक्स में यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, लॉरम सृष्टि कर दूँगा। एंड लॉरम सृष्टि करने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करता हूँ, लॉरम 10 करता हूँ, बस बहुत ज़्यादा हो गया। और मैं इन्हें रेप्लिकेट करता हूँ 3 times या 4 times, जितने भी टाइम्स मैं 3 times करता हूँ और इसके बाद ज़्यादा नहीं, बस 4 times मैंने इन्हें रिपीट किया। और इसके बाद मैं स्टाइल सीट लगाऊंगा यहाँ पर, तो स्टाइल में यहाँ पर टैग लगा और यहाँ पर डॉट फ्लेक्स। अब डॉट फ्लेक्स में यहाँ पर मैं DF करूँगा यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस नहीं, ये भी सेंटर ही हो जाए। और इसके बाद चलो ठीक है, इतना करते हैं हम। और इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ एक ऐसी चीज जो आप लोग भी, मैं चीज क्या कर रहा हूँ मुझे आप लोगों को बताना चाहिए ना डायरेक्ट, वही यार मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर लिखूंगा, अगर मैंने यहाँ पर बॉर्डर लिखा तो हम यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं 2 pixel सॉलिड। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बॉर्डर के बारे में बताया हुआ। अब मैं अगर यहाँ पर माइनस माइनस लिखू VG- कलर कोलन, अगर मैं यहाँ पर ब्लू लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर ब्लू लिखने के बाद क्या होगा, मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेम से नहीं रखना। अब अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ वायर, अब वायर ये हाँ आप लोगों को अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो उसमें आप लोग पता होगा कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल को हम यूज करने के लिए लगाते, डिफरेंस है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ज़रा देखता हूँ। ओके तो मेरा लाइव सर्वर बंद है, तो मैंने लाइव सर्वर नहीं स्टार्ट किया था, मैंने पहले स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे आ गया, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये हुआ क्या। गाइस हमने यहाँ पर लिखा माइनस माइनस बीजी कलर, यानी कि हमने कहा ये एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है जिसका नाम है माइनस माइनस वीजी माइनस कलर, हमने इतना लिखा इसमें ब्लू दे दिया। हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, अगर हमें देना पड़ जाता, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर मैं इसके अंदर भी कुछ बनाता हूँ तब तो मैं यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे एक कंटेनर बनाता हूँ, मैं यहाँ पर सपोज I create one container and इस कंटेनर के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई डिप बन जाएगा क्या, नहीं नहीं ठीक है ओके तो सब सही है, कुछ गड़बड़ आई है तो मैं जरा देखता हूँ कौन सा डिप बंद नहीं हुआ, तो कोई तो है जो ओके तो ये गड़बड़ी आई ओके। तो मैं यहाँ पर जरा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो शायद मैंने वो सेटिंग बंद कर दी हुई जिसके कारण मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जूम करना है आप लोगों को ताकि मैं दिखा सकूँ, इसलिए मैं इसको चेक करूँगा, काट दूँगा, मैं यहाँ पर इसको अब जूम कर सकता हूँ ओके। तो मैंने इसको जूम किया, अब मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर के अंदर डॉट कैन डैश बॉक्स ये बनाया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉरम 20, मैंने ये लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँ
डॉट कैनवास है, इसमें भी मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ क्या? मैं यहाँ पर वायर लिखूंगा और माइनस माइनस बीजी कलर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, क्या मैं यूज करता हूँ? नहीं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं यूज कर सकती। गाइस अगर आप लोगों को पता होगा कि स्कोप वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस ये जो है ये लोकल वेरिएबल है, ये एक स्कोप वेरिएबल है जो सिर्फ हम इसी, ये जो हमने डॉट बॉक्स लिखा, सिर्फ इसी के अंदर यूज कर सकते हैं और बाहर नहीं यूज कर सकते। अगर आप लोगों को बाहर यूज करना है तो आप लोगों को सिंपली कोलन और रूट, और इस रूट के अंदर फिर ये वेरिएबल डिफाइन कर देना है। जैसे ही आप लोग ये रूट के अंदर डिफाइन करेंगे, ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा और ये सब कहीं अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। ऑसम ऑसम गाइज ऑसम। तो ये कितना इजी है, अब आप लोगों को पता चला कि ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप लोग इस तरह अपने कस्टम वेरिएबल्स बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डैश टेक्स्ट और डैश कलर, और मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, कलर बैकग्राउंड पैडिंग ये सब चीज़ें बताई हुई है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, वरना ना बताया होता तो टेंशन लेने की बात है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर, अब मैं यहाँ पर कलर लिखा तो कॉलम नहीं भैया, कलर आ जा, और मैं यहाँ पर कलर को यहाँ पर वायर लिखूंगा डैश डैश टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रेड कर देगा, दिखाई नहीं पड़ा लेकिन ये रेड हो चुका है। तो गाइस आप लोगों ने देखा हम कितनी इजीली अपना सारा काम कर सकते हैं। अब ये फ्लैग जस्टिफाई ये सब लोग आप लोग कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वृद्ध भी देनी मैक्स भी, तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स डैश डब्ल्यू आई डी टी वृद्ध। अब मैक्स वृद्ध मैंने जैसे दे दी 300 पिक्सल, इतनी दे दी, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर अगर जैसे दे दो मैक्स वृद्ध वायर देने के बाद मैं ये जो प्रॉपर्टी इसको दे देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं अगर जाऊँ तो ये मैक्स वृद्ध भी ले चुका है। सो आप लोगों ने देखा कितनी इजीली हमारा सारा काम हो गया है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।